अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पकौड़े बना रही थी, मेरी दोस्त ने आना था तो इसके लिए मैंने पोटैटोज़, स्पिनच यानी जो फ्रोज़न थी वो मैंने ली, और अनियंस लिए और ग्रीन और रेड चिलीज ली, और इनको मैंने थोड़ा सा काटा और इसके बाद मैंने पूरा काट लिया। तो बाद में मुझे पता चला कि मेरी दोस्त नहीं आ रही, तो मैंने इसको ऐसे प्रिजर्व किया कि मैंने इसमें सारी कटिंग करके तो इसमें दही डाल दिया, और दही डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया, और कोई भी मसाला मैंने इसमें नहीं ऐड किया, यानी नमक वगैरह, क्योंकि वो फिर पानी छोड़ देता है। तो इस सब को मैंने करके तो फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रखने के बाद फिर 1 या 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद भी आप इसको जब निकालेंगे और इसमें मसाले वगैरह डाल के आप इसको फ्राई करेंगे तो बिल्कुल क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे से पकौड़े बनकर तैयार होंगे। आप खुद भी बनाएं और इंजॉय करें। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द ही नई रेसिपी या व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।